बात करें यहाँ से अगर आप एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ दोनों ही लगातार तेजी की ओर हैं। रिफाइंड सोया तेल देख रहे हैं 1560 1580 इसी लेवल पर देखने को मिल रहा है, और जो सीपीओ है वो भी लगातार तेजी की ओर है। इंडोनेशिया और मलेशिया में जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई है, और भारत बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट कर रहा है। रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी तेल का जो इम्पोर्ट होना था वो खाद्य तेल पोर्टों पर फंसा हुआ है, और उधर देख रहे हैं कि सोयाबीन तेजी की ओर निकल पड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ओवरऑल सोयाबीन तिलहन और बाकी खाद्य तेलों में अब रुझान कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी जो खाद्य तेलों में रुझान फिलहाल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पाम सभी खाद्य तेलों में पाम में सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई दी है। और ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका सीधा इफेक्ट जो है वो सनफ्लावर की सप्लाई पर आता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि सूरजमुखी के तेल की सप्लाई थमी है, और जिसके चलते जो पाम तेल की डिमांड है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो इस वजह से जो रुख किया गया है खरीदारों का वो पाम तेल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगे भी पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बनी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर पाम तेल की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और यूक्रेन संकट के कारण काफी जगह पर बोट बंद है, जिसके चलते शिपमेंट नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आगे चलकर बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, अर्जेंटीना और ब्राजील में काफी सूखा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्टेड हुआ है, और इसका फायदा भी सोयाबीन की कीमतों को तो मिलता है, दिखाई दे ही रहा है, साथ में पाम ऑयल को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी पाम ऑयल काफी सपोर्टिव हो चुका है, चारों तरफ से फंडामेंटल काफी उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि पाम में तेजी बनी रह सकती है, पाम में अब खरीदारी करके चला जा सकता है, और एडिबल ऑयल पैक अब तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है रिफाइंड सोया, पाम ऑयल और सोयाबीन, ये तीन एडिबल ऑयल ऐसे हो सकते हैं जो आगे तेजी में जा सकते हैं। सरसों थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, लेकिन उसमें भी सस्टेनेबल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, सरसों में देख रहे हैं कि आवकों का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी किसी मंडी में जो सरसों है वो एमएसपी से भी नीचे आ गई है, लेकिन फंडामेंटल्स तो देख रहे हैं कि मजबूती की ओर जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो वहाँ के जानकार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनका ये मानना है कि रशिया यूक्रेन से जो खाद्य तेलों का आयात होना था, अब उसको छोड़कर जो बाकी व्यापारी हैं और जो कारोबारी हैं, अब वो विकल्पों पर जा रहे हैं, और विकल्प के तौर पर जैसे रिफाइंड पाम हो गया और सरसों हो गया, इनकी ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आवकों का प्रेशर जब थोड़ा ठंडा होता है, तो क्या फिर सरसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? सपोर्ट आता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकता है। अभी जो सरसों है वो अपनी जो इसकी अराइवल्स है उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि किसी भी कमोडिटी के जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमतों के ऊपर एक दबाव आना तय है। लेकिन जिस तरीके से अभी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी सपोर्ट आता हुआ आगे चलकर सरसों की कीमतों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी खाद्य तेल अभी फिलहाल तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रशिया और यूक्रेन के संकट के बाद तो और ज्यादा तेजी गहरा गई है। तो मुझे लगता है कि अगर सप्लाई इसी तरीके से डिस्टर्ब रहती है और अगर इस तरीके अनसर्टेनिटी और बढ़ती जाएगी, तो आने वाले दिनों में एग्री कमोडिटीज के अंदर सबसे ज्यादा असर जो है वो तेलों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और तेलों की कीमतों में उछाल दर्ज किया जाएगा। जी,